दोस्तों व्हाट्सएप पर एक फोटो के साथ दिया गया मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रही फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर है और उस पर लिखा है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1 से 18 साल की सभी बालिकाओं को 10,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। तो क्या ये मैसेज फेक है या है सही, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। तो जानने के लिए ये वीडियो अंत तक का जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायरल मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो यूज की गई है और रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक के URL में .gov.in दो ऐसे संकेत हैं जो भोले भाले लोगों को भ्रमित करने के लिए काफी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मैसेज सच है या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होते तमाम फेक संदेशों की तरह झूठ। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने फैक्ट चेकर वेबसाइट smhoaxlayer.com पर इस वायरल मैसेज की पड़ताल की। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा कि इस वायरल मैसेज में है क्या। वायरल मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो है जिस पर 3 संदेश लिखे हैं। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना। और इसके अलावा तीसरे मैसेज में लिखा है, प्रधानमंत्री द्वारा 1 से 18 साल की बालिकाओं को निःशुल्क 10,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। बालिकाओं की भविष्य के लिए इस योजना को चालू किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है, तो जल्दी करें और इस मैसेज को अपने सभी दोस्तों तक ताकि इस योजना का लाभ सभी को मिल सके। दोस्तों वायरल मैसेज में अपील की गई है, आवेदन करने के लिए मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है और व्हाट्सएप ही नहीं दोस्तों, ये लिंक और मैसेज फेसबुक पर भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वायरल मैसेज में अपील की गई है कि इस मैसेज को अपने सभी दोस्तों तक भेजें ताकि इस योजना का लाभ सभी को मिल सके। शायद ये भी वजह है कि बिना जांचे परखे लोग इसे अपनी फेसबुक वॉल या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। अब सवाल उठता ये है कि क्या ये वायरल मैसेज सच है। तो दोस्तों वायरल मैसेज की पड़ताल करने के लिए जब दिए गए लिंक पर क्लिक किया गया तो ये वेबसाइट पेज खुला। वेबसाइट पर कन्या का नाम, आवेदक का नाम, उम्र और राज्य के बारे में जानकारी मांगी गई है। इस जानकारी के अलावा ना तो एड्रेस, ना मोबाइल नंबर और ना ही ईमेल एड्रेस मांगा गया है। दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस योजना का लाभ आप तक पहुंचेगा कैसे। वेबसाइट के दाईं ओर सबसे नीचे कोने में बहुत छोटे फॉन्ट में अबाउट अस का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलता है। इस पेज पर स्पष्टीकरण के तौर पर लिखा है, यह वेबसाइट भारत सरकार से जुड़ी हुई नहीं है, ना ही हम आपसे किसी प्रकार की शायद जानकारी कोई हासिल करके उसे संग्रह कर रहे हैं। इस वेबसाइट को बनाने का हमारा शायद उद्देश्य लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर अन्य कोई जानकारी नहीं है, यानी ना तो संपर्क के लिए कोई पता दिया गया है और ना ही कोई नंबर। हाँ, वेबसाइट पर कुछ विज्ञापन जरूर चल रहे हैं, यानी एड्स चल रहे हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वेबसाइट बेवकूफ बनाने का खेल खेल रही है। वेबसाइट पर मांगी गई जानकारी में कुछ भी डिटेल भरने पर वो सबमिट हो जाती है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए इस मैसेज को 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए कहा जाता है। आप जब इस मैसेज को 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो उनमें से कम 5-10 लोग भी इस मैसेज को सच समझकर क्लिक करेंगे और वो भी यही प्रोसेस पूरा करेंगे। फिर उन्हें भी आगे 10 ग्रुप में यही मैसेज शेयर करने को कहा जाएगा, यानी ये सिलसिला चलता रहेगा और कुछ ही घंटों में ये लाखों लोगों तक चला जाएगा। दोस्तों वेबसाइट के जरिए बेवकूफ बनाने के इस खेल में बेवकूफ बनाने वाला लाखों रुपए कमा लेता है। वेबसाइट के जरिए बेवकूफ बनाने का ये फर्जीवाड़ा तेजी से फैल रहा है। इसमें लोगों को लुभाने के लिए कुछ भी फ्री या सस्ता देने का लालच दिया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हैं। दोस्तों वेबसाइट पर ज्यादा हिट आने से गूगल एडसेंस के जरिए वेबसाइट पर विज्ञापन के बैनर आने लगते हैं और उससे फेक वेबसाइट बनाने वाले आपको बेवकूफ बनाकर पैसे कमा लेते हैं। चलिए जान लेते हैं इस मैसेज के टेस्ट का रिजल्ट क्या है। दोस्तों वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो, केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम और वेबसाइट के URL में .gov.in का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया है। वेबसाइट के अबाउट अस में लिखा है कि इस वेबसाइट का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि सरकार की ऐसी कोई योजना है ही नहीं, यानी जब सरकार से कोई सरोकार नहीं तो फिर योजना का लाभ कैसे मिलेगा। दोस्तों आज के वायरल टेस्ट में ये वेबसाइट और वायरल मैसेज फेक साबित होता है। दोस्तों अगर आपके पास इसी तरह के अनचाहे मैसेजेस व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया पर आते हैं और आप चाहते हैं कि ओनली सिंगल लाइक चैनल पर मैं इन मैसेजेस का वायरल टेस्ट करूं तो आप मुझे कमेंट करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को अवेयर जरूर करिए और बताइए कि ये मैसेज फेक है, ताकि आपकी फ्रेंड्स फैमिली इस तरह के झांसे में ना आ सके। तो मिलता हूँ अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ।